वेलकम टू माय चैनल मेक इट ऑसम। तो आज का वीडियो होने वाला है एक रेसिपी वीडियो। मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे जो पोहा बनाते हैं उसकी रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सी, बहुत सी डिलीशियस सी ये रेसिपी बनेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से मैंने ये रेसिपी बनाई है। मेरा तरीका है, मेरे तरीके से मैं पोहा कैसे बनाती हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और उसके बाजू में जो बेल बटन है उसको ज़रूर हिट कर देना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए डार्क पोहा। तो यहाँ पर मैंने लिया है पतीला। पतीले के ऊपर मैं लूँगी जाली। जाली में हम अच्छे से पोहा वॉश करेंगे और उसको सोक करेंगे। तो मैं यहाँ पर लगभग तीन लोगों का पोहा बनाने वाली हूँ। तो उसी अंदाजे से मैंने यहाँ पर पोहा लिया हुआ है। पोहा को हमें पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर सोक कर लेना है। सोक कर लेना है मीन्स हमें उसको अच्छे से छान लेना है पानी में डालकर। पानी में ही डालकर नहीं रखना है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल डाला है और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पीनट। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम पीनट ऐड कर सकते हो। मेरे घर में पीनट ज़्यादा पसंद आते हैं इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड किए हुए। यहाँ पर मैं और ऐड करूँगी 1 चम्मच के करीब मस्टर्ड सीड्स सरसों, और मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच जीरा। साबुत जीरा मैंने यहाँ पर ऐड किया है। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 ग्रीन चिलीज अच्छे से चॉप की हुई। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप और 2 ग्रीन चिलीज यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिर हमें इसको अच्छे से सोते कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करी लीव्स, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। करी पत्ता अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज के अच्छे से चॉप किए हुए प्याज। तो मैं यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ। महाराष्ट्र में स्पेशली इसको कांदा पोहा बोला जाता है, सो यहाँ इसमें प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है प्याज के वजह से, अगर आप ज़्यादा प्याज डालते हो तो। तो मीडियम साइज़ के 2 प्याज मैंने यहाँ पर अच्छे से चॉप कर के लिए हुए और इसको अच्छे से अब हम सोते होने देंगे। अच्छे से लाल वाला कलर इसको आने देना है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे सोक किया हुआ पोहा। तो मैं ये पोहा को हाथ से ही ऐड कर रही हूँ ऐसे। और मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक। तो स्वादानुसार नमक आप ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पर स्वादानुसार नमक ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। अगर हम ज़्यादा प्रेशर देकर इसको मिक्स करेंगे तो पोहा ज़्यादा ही गल जाएगा, ऐसा खिला खिला नहीं बनेगा। इसलिए हमें बहुत ही सॉफ्ट हाथों से, हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। अभी मैंने पोहा को अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं यहाँ पर अभी पानी छिड़कूँगी। छिड़कूँगी इसलिए क्योंकि हमें सब्ज़ी में जैसे पानी डालते हैं वैसे पानी नहीं डालना है। इसको हाथों से अच्छे से छिड़क छिड़क कर हमें पोहे के ऊपर पानी डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि पोहा अच्छे से नरम और बहुत सॉफ्ट से बने, ऐसे ड्राई ड्राई से ना लगे उसकी वजह से।
पानी डालकर मैं इसको एक बार अच्छे से हिला लूँगी हल्के हाथों से, और मैं अभी इसको लीड लगा लूँगी 2 मिनट के लिए। हमें यहाँ पर अच्छे से उसकी बाफ आने देनी है। 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पर लीड लगा रही हूँ। 2 मिनट हो गए, यहाँ पर मैं अब लीड हटा दूँगी और एक बार इसको हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लूँगी। और मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 2 छोटे टीस्पून शक्कर। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो अगर आपको पसंद हो तो। 2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर शक्कर ऐड करके हल्के हाथों से उसको फिर से मैं हिला कर लीड लगा दूँगी 2 ही मिनट के लिए। हमें सिर्फ शक्कर को गलाना है उसकी वजह से। अब मैंने यहाँ पर लीड हटा दिया है और मैंने यहाँ पर आधा लेमन जूस में स्क्वीज़ कर लूँगी। आधा लेमन को मैं अच्छे से स्क्वीज़ यहाँ पर कर लूँगी। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी हरा धनिया। हरा धनिया डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गैस का फ्लेम हमें अब हम ऑफ कर देंगे। हमारा पोहा रेडी टू सर्व है। अब हम इसको अच्छे से प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी प्रोसेस है इस पोहा बनाने की। तो मैंने यहाँ पर सर्विंग प्लेट ले ली है और इसमें मैं अच्छे से पोहा सर्व कर दूँगी। अब मैं इस पर डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, कच्चा प्याज। और मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ड्राई कोकोनट ग्रेट किया हुआ। आप यहाँ पर जो अपना नारियल होता है वो भी आप इस ग्रेट करके डाल सकते हैं। ये वाला कोकोनट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ग्रेट करके। फिर अब मैं लास्ट में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमकीन, 0 नंबर वाली येलो शेव। हमारा पोहा रेडी टू ईट है बिल्कुल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बाजू में जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना, मतलब मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।